चीन के द्वारा की गई भारत के ऊपर नापाक हरकत व 20 जवानों के शहीद होने पर चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन आम आदमी पार्टी ने किया। खबर सुल्तानपुर से है, जहां आज दिनांक 19/6/2020 को चीन की नापाक हरकतों से नाराज होकर आम आदमी पार्टी ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका और जमकर विरोध जताया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि चीन के हर सामान का विरोध किया जाएगा, साथ ही साथ ऐसे दुकानदारों का भी विरोध होगा जो चीन के सामानों की बिक्री कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता ने कहा कि भारत सरकार को इनकी नापाक हरकतों का मुंहतोड़ जवाब भी देना चाहिए। 15/16 की रात में गुलवान में हमारे अमर भारतीय सिपाही चाइना के हाथों बलिदान हो गए। चाइना सरकार की धूर्तता भरी नीति के कारण हमारी सीमा पर हमारे सैनिकों का खून बहा है, पूरा देश इस पर आंदोलित है। उसी क्रम में आज आम आदमी पार्टी ने चाइना के प्रधानमंत्री का पुतला फूंक करके अपना रोष, राष्ट्रपति का पुतला फूंक कर अपना रोष व्यक्त किया है। हम आम आदमी पार्टी के लोग हिंदुस्तान की पूरी जनता से एक अपील करना चाहते हैं, शिद्दत भरी अपील करना चाहते हैं कि हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ न जाए, इसलिए चाइना के सामानों का हर कीमत पर बहिष्कार करने की कृपा की जाए। चाइना के सामानों को अपने घरों से निकाल करके जलाने का काम किया जाए। और भारत सरकार के से भी हम ये मांग करते हैं कि अब हिंदी चीनी भाई भाई का नारा नहीं चलेगा, चीन के साथ उसी भाषा में उत्तर देने का समय आ गया है। और चीन के साथ जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं हिंदुस्तान के अंदर में तत्काल सब कैंसिल किए जाएं, और भारत सरकार को इस पर शर्मसार होना चाहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने हिंदुस्तान की देसी रियासतों का एकीकरण कराया था, चाइना की कंपनी द्वारा उसका मूर्ति का बनाया जाना देश के लिए अत्यंत शर्मनाक है। भारत सरकार को इसके लिए सार्वजनिक रूप से जनता से क्षमा याचना करनी चाहिए।